हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। शो फ्रेंड्स, 11 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास थोड़ा बड़ी क्लास होगी, तो पूरी क्लास ज़रूर देखे जाना। इस क्लास में जीके जीएस हिंदी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखी नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर देखिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस मैथ के क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप बताइए, मैं पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो एक बार कॉमेंट बॉक्स में यस करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ, मेरा स्ट्रीम साइंस है, आप हमें क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा दीजिए एंड उसका सोल्यूशन भी, तो मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ बना के, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हो आप। बी एड प्रवेश परीक्षा की तैयारी है ये जो है हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार सभी लोग बताएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। बॉक्साइट, बहुत अच्छे, ये सरल प्रश्न था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था बताएंगे सब लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। एक कार्य कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर तो बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बट लाइक कर दो वीडियो को, बस क्लास डिस्टर्ब ना हो, ताकि ऑटोमेटिक वीडियो बच्चों के पास पहुंच जाएगी जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर किसकी खोज के कारण वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसकी खोज के कारण वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था बताइए सब लोग। किसकी खोज के कारण वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया था। 40 मिनट से ऊपर की क्लास होगी आज, चलिए बहुत अच्छे भाई। तीसरा का जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दे रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाले, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। डायनेमो परिवर्तित करता है किसमें, डायनेमो परिवर्तित करता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को जो है चुंबकीय ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फोर का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे समुद्र में वृहद ज्वार कब उठता है, समुद्र में वृहद ज्वार कब उठता है, उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम चतुर्थांश पर हो, या केवल अमावस्या के दिन, या पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन, या केवल पूर्ण चंद्रमा दिवस पर। समुद्र में वृहद ज्वार कब उठता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है बताइए एक फ्यूज के तार को। देखिए, जो फ्यूज का तार होता है वो उच्च प्रतियोगिता तथा न्यूनतम गलनांक होता है आपका, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है बताइए सब लोग। शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मॉलिब्डेनियम अपर्याप्तता जो है किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है, क्लोरेट रिक्टेक्स को, या नाइट्रोजिनेस को, या नाइट्रेट रिक्टेक्स को, या ये सभी। तो ये नाइट्रेट रिडक्टेज की सक्रियता को प्रभावित करती है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम चाहिए इसमें, स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, आगे सही क्वेश्चन है तो आपको परेशान नहीं होना है।
तो सबसे पहले यहाँ पे मैंग्रोव हो जाएगा, उसके बाद सागर होगा, उसके बाद घास मैदान, उसके बाद झील होगा, तो यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? टेन का जवाब दीजिए सब लोग। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? तो इसमें आर्सेनिक और जो है फ्लोराइड पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए जो है आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? 25%, 36% या 33% या 30%, कितने परसेंट की बात की गई है बताइए सब लोग। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए 11 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग। चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए इसमें जो आरक्षण की बात की गई है महिलाओं की, वो की गई 33%। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था बताइए? उसका निर्देशन किसने किया था बताइए सब लोग। तो इसका जो निर्देशन किया गया था शेखर कपूर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर भी देख सकते हैं। सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप चक्षु प्रकाशन की बुक से अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 2100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 तक के, यानी कि 6 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है बुक, मार्केट में सबसे बेस्ट बुक है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग SRR पब्लिकेशन की बुक, यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है एंड यहाँ पे देखेंगे PYQ भी लगाए गए हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप इस बुक से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही इनकी जो है गाइड के अलावा जो है प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही करना है, तो आप इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक ले सकते हो। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 2100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। आप इसे सबसे बढ़िया है ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हो। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप परचेज कर सकते हो घर बैठे। क्लास टू कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है बताइए? निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? मूलभूत लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है बताइए सब लोग। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में पूरा करती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डोंट लॉफ वीर आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया है बताइए? इस पुस्तक का जो है संकलन किसने किया? फिफ्टीन का जवाब दीजिए। तो इस पुस्तक का संकलन किया गया है KPS गिल DGP के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी बताइए सब लोग। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आला मारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल जो है नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है आपका जो है कुचिपुड़ी। ये केरल का है, ये उड़ीसा का है, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए मेक इन इंडिया ये करंट का है तो इसको छोड़ते हैं। प्रकाश रसायन स्मॉग जो है किस आम क्रिया का परिणाम है? प्रकाश रसायन स्मॉग किस आम क्रिया का परिणाम है? ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 और O3 तथा पराक्सी एसिटिल जो है नाइट्रेट का जो है परिणाम है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप क्या होगा? इसका विस्तृत रूप फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? 20 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ग्लोबल एनवायरमेंटल ग्लोबल आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे गलती से ये लोग कर दिए हैं, तो फंड होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी बताइए सब लोग।
प्रथम एंटी जो है बायोटिक की खोज किसने की थी? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? फ्लोमिन की थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण जो है बिल किस वर्ष पारित किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग आंसर करेंगे। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? ये 1986 में किया गया था। 22 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? सभी लोग 24 को जवाब देंगे। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो वो है कर्नाटक स्थित आपका शिव समुद्रम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? सभी लोग आंसर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? माइक्रो एरे कहलाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का जो प्रारंभ है वो कहां से किए थे बताइए, खेड़ा से या चंपारण से या दांडी से या साबरमती से? तो ये किए थे चंपारण से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पाया जाना जाता है किस काल में, वसंत ऋतु में या शीतकाल में या पतझड़ में या ग्रीष्म काल में? अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है शीतकाल में पहचाना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति अनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वे कहलाते हैं क्या, वे कहलाते हैं क्या? रिकेल्सी त्रांत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कहलाते हैं। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है अल्फा कण या प्रोटॉन या धनात्मक हीलियम आयन या ऋणात्मक हीलियम आयन? 29 का जवाब दीजिए सब लोग। धनात्मक हीलियम आयन कहलाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? 30 के जवाब दीजिए सब लोग। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? पंडित रविशंकर के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? 31 का जवाब देंगे सब लोग। तो भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दादा साहेब फाल्के ने जो है किस वर्ष अपनी फीचर फिल्म तैयार की थी? दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी फीचर फिल्म तैयार की थी? 1913 में किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भूकंप का कारण है क्या? भूकंप का कारण है भू घर्णन, टेक्नोनिज्म, अन्नाच्छादन या भू परिभ्रमण? टेक्टोनिज्म हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है क्या? उच्च परमाणु नीच पुंज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था इसलिए विख्यात था। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो या जो है जातक कहानियां या उपरोक्त सभी? 36 का जवाब दीजिए सब लोग। वो है मिलिंद पन्हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, साधारण विधि का क्या अर्थ है? साधारण विधि का, साधारण विधि का क्या अर्थ है? 37 का जवाब दीजिए सब लोग। तो साधारण विधि का अर्थ होता है सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला जो है कानून, यही होता है साधारण विधि का अर्थ। 37 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए,
ऋणात्मक धनात्मक शून्य या ए व सी दोनों। 38 को जवाब दीजिए सब लोग। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए कितनी? शून्य चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि, कारण क्या है बताइए। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गुप्त शासन काल का संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुप्त शासन काल का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है, इस्ता लगा के नोट कर लेना। सूक्ष्मजीवी किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़ या बेंगलुरु। सूक्ष्मजीवी किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? ये है चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? जे एम कैंस ने किया था, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिस्थितिक अनुभ्रमण के कारण जो है ग्रासलैंड के घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते क्योंकि, सीमित जल तथा अग्नि का होना या सीमित सूर्य प्रकाश तथा पोषकों की कमी के कारण या कीट तथा कवक की उपस्थिति के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। परिस्थितिक अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड के घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाया जाता है क्योंकि सीमित जल तथा अग्नि के होने की वजह से नहीं लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे 43 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीव युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह जो है घटना कहलाती है क्या? बताइए कौन सी घटना कहलाती है? वो प्रभाविता कहलाती है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वोकल म्यूजियम म्यूजिक का जो है प्राचीन रूप है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है, ध्रुपद हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, दी हुई। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था, ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या उष्ण ऊर्जा में या विकिरण ऊर्जा में? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, ठीक है। हास्य का हास होता है, शांत का निर्वेद होता है, वीर का उत्साह होता है। माधुर्य गुण जो है किस रस में प्रयुक्त होता है? माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? शांत, वीर, श्रृंगार या रौद्र में? तो यहां पे सी आपका सही हो जाएगा, श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है माधुर्य गुण। नीचे लिखे वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है बताइए? ये दोनों वाक्य देख लीजिए और ये दोनों वाक्य देख लीजिए, तो किसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 53 का जवाब दीजिए सब लोग। फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। और सभी को भाई गुड इवनिंग, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अभी भी लाइक की संख्या बहुत ही कम है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, मैं वेट कर रहा हूँ। लाइक कर दो सब लोग फटाफट। तो इसमें देखिए अशुद्ध, देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ए वाला, बी वाला भी, ये सही नहीं है। मैं 13 को एक घड़ी दूंगा, ये आपका नहीं सही है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है क्या? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, क्या कहलाता है दीगर? धातु कहलाता है। अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण? तो अव्यय एक क्या होता है? अविकारी होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? तंबाकू, तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है?
ना ही ब्राजील है, ना ही चीनी है, ना ही फ्रांसीसी, ना ही डच, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार हैं कितने? उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार हैं कितने? 4, 2, 6, 8। तो उत्पत्ति के अनुसार जो शब्द के प्रकार हैं वो हैं चार। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तत्सम हो गया आपका, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द यहाँ पे अनार है, भौरा है, दोना है, और यहाँ पे गिरगिट है। तो देशज शब्द कौन सा है? 58 का जवाब दीजिए सब लोग। तो गिरगिट, गिरगिट शब्द आपका देशज शब्द है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए। इसमें वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानना है आपको। इसमें साहित्य दो प्रकार का होता है। इस समय 4 बजे हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम, ये सब सही हैं, ये आपका अशुद्ध है, ठीक है, वचन के हिसाब से। हर एक ने जूते पहन रखी है, इस वाक्य में है वर्तनी संबंधी अशुद्धि या वचन संबंधी अशुद्धि या लिंग संबंधी अशुद्धि या वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि। किस प्रकार की अशुद्धि बताइए? 60 का जवाब दीजिए सब लोग। इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले वाक्य का कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे निजवाचक आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तुम्हें क्या चाहिए निम्नलिखित में से सर्वनाम है? निजवाचक है या प्रश्नवाचक या संबंधवाचक या निश्चयवाचक? तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्न किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएगा आपका सर्वनाम। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है, इसमें जो है निम्नलिखित है क्या? विशेषण है या क्रिया है, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? तो क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस भाषा को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? वो कौन सी भाषा है जिसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल? तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11। व्यंजनों की संख्या 33, ठीक है ना। अंतःस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, स्पर्श व्यंजन 25, ये आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा बताइए सब लोग। सभी लोग आंसर करेंगे, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परिधन आवरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिधन आवरण, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें कहते हैं क्या? निपात, प्रत्यय, उपसर्ग या संधि? बहुत ही सरल प्रश्न है, इससे सरल प्रश्न पूरी क्लास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है बताइए। समयानुसार, मतलब समय के अनुसार, ये इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा इसमें? भाववाचक संज्ञा किसमें है? इसमें तो मित्रता में जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन यहां पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए खर का पर्यायवाची शब्द है, खर का, खर का पर्यायवाची शब्द है कौन सा इसमें? तो गधा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनिल पर्यायवाची है किसका? पवन का, चक्रवात का, पावस का या अनल का? अनिल पर्यायवाची है किसका? तो अनिल देखिए पर्यायवाची है पवन का, यानी कि हवा का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियति शब्द का समानार्थी शब्द है क्या? नियति शब्द का, नियति शब्द का समानार्थी ये क्या? भाग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग्य, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य,
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। पूछना चाहिए कि नियत शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है। तो देखिए, चरित्र भी होता है, नियत का समानार्थी स्वभाव भी होता है, तो ये दोनों आपके तो है ही है, ये आपका नहीं होना चाहिए। चलिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बताइए। वाच्य, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे शोषक शब्द का विपरीतार्थक चुनिए। इसमें शोषक शब्द का, शोषक शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? पोषक हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शब्द का विलोम बताइए। सूक्ष्म का, सूक्ष्म शब्द का विलोम होगा स्थूल। क्या होगा? स्थूल। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो पहले, जो जो है पहले कभी ना हुआ, उसके लिए शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए शब्द क्या होगा? सुग्रीव हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो आंखों के सामने ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जो सामने हो प्रत्यक्ष होगा, जो ना हो तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परोक्ष भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे परोक्ष होगा। चलिए, दिए गए विकल्पों में से जो है शुद्ध वाक्य का जो है चयन कीजिए। यहाँ पे कौन सा सही है? 80 का जवाब दीजिए, चारों वाक्यों को पढ़िए अच्छे से, और कौन सा सही है यह बताना है आपको। तो यहाँ पे ये वाला आपका सही हो जाएगा, सी वाला, कि बच्चों को फल काटकर खिलाओ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है कौन सा सही है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें देखिए आपका जो शुद्ध वाक्य ये वाला है कि बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकी में संज्ञा है, इसमें जयचंदों में संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पे 82 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना, संज्ञा। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? संक्षेप में गहरी बात करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, खोदा पहाड़ निकली चोहिया लोकभक्ति का अर्थ क्या होता है? सभी लोग आंसर करेंगे, खोदा पहाड़ निकली चोहिया लोकभक्ति का अर्थ क्या होता है? परिश्रम अधिक और फल कम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द कौन होते हैं बताइए? संज्ञा स्वर्णा विशेषण क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकभक्ति नहीं है इसमें? लोकभक्ति नहीं है कौन सी इसमें? ये है, ये है, ये है, ये वाला नहीं, सिर ओकली में देना, ठीक है ना, लोकभक्ति नहीं है। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है इसमें? तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? छाटिए सभी लोग, घोटक, घोटक तत्सम शब्द है। या जो है यहाँ पे बताना है आपको शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द की परिभाषा बताइए। बताइए सब लोग, शब्द की परिभाषा है, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, यह शब्द की परिभाषा है, ठीक है ना। चलिए भाई, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को, शब्द को, या छंद को, या इनमें से कोई नहीं।
फटाफट आंसर करिए भाई, वर्ण किसे कहते हैं? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब देना आप लोग, ठीक है ना। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? असाध्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 91 से 92 तक में समानार्थी शब्द चुनना है, जैसे मिलिंद का क्या होगा? मिलिंद का समानार्थी, मिलिंद का हो जाएगा भ्रमर। क्या होगा? भ्रमर। अगला सीखी का बताइए, सीखी का क्या होगा? मयूर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है देशज नहीं है, इसमें देशज कौन सा नहीं है? तो देशज आपका जो है इसमें पुष्कर नहीं है, पुष्कर, ठीक है ना। चलिए, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के डॉट डॉट को देखकर किया जाता है, चरित्र को देखकर या आचरण या स्वभाव या दृष्टिकोण को देखकर? किसको देखकर किया जाता है बताइए सब लोग? आचरण को देख के किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अग्नि का, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है हुतासन। क्या है? हुतासन। अगला प्रश्न देखिए, यहां पे तुंग का पर्यायवाची बताइए, तुंग का उन्नत हो जाएगा, उन्नत। अगला प्रश्न देखिए, यहां पे भारत के जो है उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है? संतुल्य है या स्तुल्य स्तुत है या जो है असंसनीय है या प्रशंसनीय है? क्या है बताइए? प्रशंसनीय है। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है? प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने लायक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना। चलिए, अगला प्रश्न है उतहार के योग से जो है कौन सा शब्द बनेगा, ये किसका संधि विग्रह है? उद्धार का संधि विच्छेद है, ठीक है ना। ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्धनहार। चलिए, यहाँ पे वाक्यांश लिखित शब्द का चयन करना है, जो कहा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अकथनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकथनी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब रीजनिंग के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बताना है ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, अगला अक्षर सॉल्व करेंगे फटाफट, पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हो। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग आंसर करेंगे। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा बताइए सब लोग, फटाफट आंसर करिए। सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए, यहाँ पे M का कोड क्या है? S है। P का कोड क्या है? O है। R का P है एंड यहाँ पे V का T है। तो यहाँ पे R P M V का बताना है, तो R का कोड यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है? P है। तो P हमारा हो जाएगा। P का कोड क्या है? अब यहाँ पे P यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए सब लोग? O हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद M का क्या हो जाएगा? M का हो जाएगा S। और यहाँ पे V का क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो पोस्ट आपका सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए, ये 7 का संबंध 53 से है, तो 173 का संबंध यहाँ पे किससे होगा? 18 से, 14 से, 13 से या 22 से? बताएंगे सब लोग भाई? तो देखना, यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है, और 49 में यहाँ पे 4 ऐड कर दिया गया, तो कितना हो गया? 53 हो गया। अब यहाँ पे देखना, ये 173 ये किसके वर्ग के समीप है? किसके वर्ग के समीप है? ये 13 के वर्ग के समीप है 169। अब 169 में 4 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 173 ही तो होगा ना, तो यहाँ पे 13 आएगा। ओके, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे ये इसका संबंध इससे है, तो ज्ञान मीमांसा का संबंध किससे हो जाएगा? तब तो मीमांसा का संबंध सृजन से है, तो ज्ञान मीमांसा का संबंध किससे होगा?
ज्ञान से हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, समुद्र जहाज से संबंधित है तो और किससे संबंधित होगा, आकाश पक्षी से, सड़क लोक से, नदी परिवहन से, या रेलवे ट्रैक रेलगाड़ी से। चौथा का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे देखना, जहाज जो होता है वो समुद्र में चलता है, उसी प्रकार रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पे चलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य तीनों से जो है भिन्न हो। ये इसमें भिन्न कौन सा है ये आपको बताना है, अलग कौन सा है चारों में से, फटाफट बताइए। पाँचवा का जवाब दीजिए सभी लोग। बहुत अच्छे, तो देखना यहाँ पे जैसे ये आपका यस एन आई एन ई टी है, तो जब हम इसे हम मतलब अक्षरों को व्यवस्थित कर देंगे, जैसे आपका यहाँ पे हम टी ले लिए, ई ले लिए, और यहाँ पे डबल एन ले लिए, आई ले लिए, तो एस ले लिए, यहाँ पे इसी में से हम ले लिए, तो टेनिस बन गया। और जैसे यहाँ पे आपका ये वाला आपका ये ले लेते हैं, ये वाला सी ले लिए हम, आर ले लिए, आई ले लिए इसी में से, और यहाँ पे सी ले लिए, के ले लिए, ए ई ले लिए, टी ले लिए, क्रिकेट। मतलब ये इससे फुटबॉल बन जाएगा, और इससे आपका खेल का नाम नहीं बनेगा। इन तीनों को अगर हम व्यवस्थित कर देते हैं तो तीनों से जो है एक खेल के नाम निकलते हैं, इससे आपका नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। इससे आपका टेनिस हो गया, इससे फुटबॉल निकल आया, इससे क्रिकेट निकल आया, तो उससे कुछ नहीं निकल रहा है। चलिए, इसमें कौन सा भिन्न है, लॉकेट, चूड़ियाँ, बांजू बंद, कंगन, तो कौन सा इसमें भिन्न है। तो इसमें आपका जो आपका विषम है वो है लॉकेट, क्योंकि ये गले में पहना जाता है। बाजूबंद, चूड़ियाँ, कंगन, ये सब जैसे ये तो आपका कलाई में पहना जाता है, और ये आपका जो है बाजू में पहना जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63, 55, 49, 50 में कौन सा मतलब विषम है। 7 का जवाब दीजिए। तो 63, 49, 55 ये सब क्या हैं, विषम संख्याएं हैं, और 50 सम संख्या हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। ऑप्शन भी देख सकते हो यहाँ पे, ये ऑप्शन है, लिखिए क्रमानुसार आप लोग। चलिए बताइए सब लोग। तो सबसे पहले इसमें पांचवा आ जाएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद यहाँ पे तीसरा आएगा, उसके बाद यहाँ पे पहला आएगा, चौथा आएगा। 53, 314 सॉरी, यहाँ पे आपका 52, 314 आएगा, सॉरी। तो 52, 314 किस में, देखिए इसमें ये वाले में, सी वाले में है, ठीक है ना। चलिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर जो है क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे ई हम भर देंगे, यहाँ पे भी ई भर देंगे, और यहाँ पे बी भर देंगे, और यहाँ पे आपका जो है डी हो जाएगा, यहाँ पे भी डी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, तो यही आपका सही बैठेगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित प्रतीक जो है प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है, जिसके बाद एक पद है लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उसको चुनिए जो सही हो। बताइए इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, इसमें यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना इसका, ठीक है, सिलेक्ट करके। और अगली क्लास में इसका मैं आंसर बता दूंगा, सोल्यूशन के साथ बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन बिसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट आएँ, जो भी क्लासेस आएँ, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से मैं लिखे दे रहा हूँ, 7905633
2533 पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, झारखंड किसी भी स्टेट की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।